हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम आपको मशरूम की सब्ज़ी बनाना बताने जा रहे हैं, जो बिना लहसुन प्याज के बनाई है मैंने। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है, आप एक बार ज़रूर अपने घर में इसको ट्राई करिए। और अगर फर्स्ट टाइम हमारे इस चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं सब्ज़ी बनाना, जिसके लिए मैंने मशरूम लिया था। उसको अच्छे से धो के उसको बॉयल कर लिया 10 से 15 मिनट के लिए, और उसको पानी से निकाल के धुला है। और देखिए इस तरह से पीसेस में कट कर लिया है। अब हम थोड़ा सा तेल लेते हैं। तेल में हम, जब तेल गर्म हो जाए तो उसमें हम जो है मशरूम को डाल देंगे और उसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। देखिए कुछ इस तरह से फ्राई करना है कि, क्योंकि ये देखिए फ्राई हो चुका है। अब हम इसको किसी प्लेट या बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। और हम फ्राई इसलिए करते हैं कि इसमें जो स्मेल रहती है बॉयल करने के बाद, और इसको फ्राई कर दे तो स्मेल एकदम से निकल जाती है। अब हम फिर से मस्टर्ड ऑयल लेते हैं, 2 से 3 टीस्पून। आप ये देखिए, क्योंकि ऑलरेडी हम फ्राई कर चुके हैं और मशरूम आधा पक चुका है, तो हम जब पक जाता है तेल तो उसमें हम तेज पत्ता डाल देते हैं 2। फिर उसमें हम लौंग डालते हैं, फिर हमने काली मिर्च 8 से 10 दाने डाले हैं, फिर हमने दालचीनी की लकड़ी डाली है 1 इंच के बराबर, फिर हमने इसमें जावित्री डाली है, और फिर हम थोड़ा सा इसको पका लेंगे। मुश्किल से 1 से 2 मिनट का टाइम लेते हैं। फिर हम इसमें ज़ीरा डालेंगे, ज़ीरा भी थोड़ा सा इसमें पक जाए। उसके बाद हम हल्दी डालते हैं। हल्दी सबसे पहले इसलिए डालते हैं कि हल्दी की जो स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाए। जैसे हल्दी अगर कच्ची रहती है तो खाने में स्वाद अच्छा नहीं आता है। तो आप फिर उसके बाद इसमें हरी मिर्च डाल दीजिए, अगर आपको पसंद है थोड़ा तीखा तो आप डालिए, नहीं पसंद है तो स्किप कर दीजिए। फिर हम इसमें धनिया पाउडर ऐड करते हैं, और उसके बाद हम थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करते हैं जो कलर लाने के लिए होती है। अब हम इसमें 2 टमाटर छोटे छोटे पीसेस में कट करके डाल देते हैं, और फिर हम अब इसके इसको लो मीडियम फ्लेम पे हम इसको पकाते हैं। ये थोड़ा सा पक जाए तो इसमें आप किचन किंग मसाला यूज़ करिए, ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। अगर आपके पास किचन किंग मसाला नहीं है तो आप गरम मसाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, गरम मसाला या मीट मसाला जो भी आपके पास हो आप इसमें डाल सकते हैं। कोई पर्टिकुलर मसाला इसमें ऐसा नहीं है कि आपके पास हो वही आप मसाला डालें, तो आप इसमें कोई भी मसाला डाल सकते हैं, गरम मसाला, किचन किंग मसाला या मीट मसाला। और थोड़ा सा मैंने 1/2 ग्लास पानी इसमें डाल के इसको अब हम थोड़ा सा लो फ्लेम पे इसको हम ढक देंगे कि थोड़ा सा मसाला पक जाए। मुश्किल से 2 से 2 मिनट बहुत है, 2 मिनट के बाद हम इसको ओपन करते हैं। देखिए इस तरह से ये तेल एकदम छोड़ दिया है मसाले ने, ये देखिए मसाला लगभग पक गया है, ग्रेवी भी थोड़ी सी गाढ़ी हो गई है। अब हम इसमें, चाहे तो आप क्रीम मार्केट से भी ला के डाल सकते हैं, और चाहे तो आप घर पे जो दूध में ऊपर की क्रीम होती है वो आप, अगर आप इकट्ठा करके रखते हो तो आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा ज़्यादा पुरानी क्रीम इस्तेमाल नहीं करनी है, नहीं तो ये सब्ज़ी थोड़ी सी ख़राब लगेगी आपको। अगर आप चाहें तो इसमें पानी ना डालिए, आप इसी ग्रेवी में आप केवल मशरूम डाल के हल्का सा नमक डाल के इसको पका लीजिए, और आप इसको वैसे भी सर्व कर सकते हैं। लेकिन अगर सब्ज़ी आपको प्रॉपर चावल के साथ या किसी के साथ खानी हो तो आप उसमें 1 ग्लास पानी ऐड कर दीजिए, और क्योंकि ग्रेवी ऑलरेडी तैयार थी तो आप उसमें केवल मशरूम डाल के थोड़ी देर पकाएंगे तो आप जो है उसको खाने के लिए इस्तेमाल कर सकते थे। लेकिन मुझे रसेदार मशरूम की सब्ज़ी बनानी थी इसलिए मैंने इसमें 1 ग्लास पानी डाला है। अब हम इसको ढक देंगे थोड़ी देर के लिए,
और मुश्किल से 5 मिनट मैंने इसको ढका होगा और इसमें देखिए एक उबाल आ गई है, दिख रहा है आपको। अब हम इसमें मशरूम जो हमने फ्राई करके रख रखे थे, हमने वो मशरूम इसमें डाल दिए हैं और इसको अच्छे से हम चला लेंगे और हम तब तक इसको पकाएंगे जब तक आपको लगता है कि हमारी ग्रेवी जैसी आप चाहते हैं वैसी बन नहीं गई है। अगर आप थोड़ी गाढ़ी ग्रेवी चाहते हैं तो आप इसको उस तक पकाइए जी गाढ़ा हो जाए। देखिए ये लगभग ऑलमोस्ट सब्ज़ी तैयार हो गई है। ये देखिए मैंने ग्रेवी ज़्यादा गाढ़ी नहीं रखी है क्योंकि अगर आप चावल के साथ सर्व कर रहे हैं तो थोड़ी सी ग्रेवी होनी ज़रूरी होती है। अब हम इसमें फ्रेश क्रीम डाल देते हैं। मैंने फिर आपको वही चीज़ बतानी है कि आप चाहें तो घर का क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो आप मार्केट से ला के भी यूज़ कर सकते हैं। इस क्रीम को डालने से आपकी सब्ज़ी का स्वाद बहुत ही अच्छा हो जाता है। अगर अभी आपको लगता है कि आपकी आपका रसा ये हल्का है तो आप फिर से इसको पका सकते हैं, लेकिन ये सब्ज़ी बनकर एकदम तैयार है। आप इसको गर्मा गर्म रोटी के साथ, पराठे के साथ, चावल के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी। अंत तक हमारी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।